प्रथम चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में चुनाव है 19 अप्रैल का। दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। 7 मई का चुनाव है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। 4 चरण के बात करब दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। 13 मई का अगर सबके चुनाव है, चुनाव वो 20 मई का है, मधुबनियों में चुनाव वही दिन है। तो अइमे सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर का चुनाव है 20 मई का। लोकसभा चुनाव के इंतजार भेल खत्म। नमस्कार, हम स्वाति मिश्रा, अहाँ देख रहल छी मिथिला सस्तर। बात करब हम अखन लोकसभा चुनाव के। लोकसभा चुनाव के हर पंचवर्षीय के बाद लोग के बहुत इंतजार रहै छै कि केना मतलब चुनाव हेतै, ओकर की नियम छै, की कानून छै, ओ सबटा लऽ कऽ आइ बैठक छलै। ओ बैठक सम्पूर्ण भऽ गेल। बता दी, 7 चरण में एहिबेर लोकसभा चुनाव सम्पन्न होयत। आ पहिल चरण शुरू होय 19 अप्रैल सँ। बात करब बिहार के, बिहार में 7 चरण में किछु 40 सीट पर जे छै से लोकसभा चुनाव होय। आ प्रत्येक चरण में अलग अलग जगह पर अलग अलग सीट पर चुनाव होय। बात करै छी अखन 19 अप्रैल के पहिल चुनाव, प्रथम चरण के चुनाव के। तो 19 अप्रैल के 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होय। द्वितीय चरण के बात करब तो 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होय। आ तृतीय चरण 7 मई के अय, जे पर 5 लोकसभा सीट बिहार के में चुनाव होय लोकसभा सीट पर। 13 मई का फिर 5 लोकसभा चुनाव, लोकसभा सीट पर चुनाव है। 20 मई का फिर 5 लोकसभा सीट पर चुनाव है। 25 मई का 8 लोकसभा सीट पर चुनाव है। और लास्ट और 7वां चरण 1 जून का 8 लोकसभा सीट पर चुनाव है। बिहार में 7 चरण में 7 दिन चुनाव है। 4 जून का जे छै से ओकर गिनती भऽ कर रिजल्ट सबके सामने आबि जायत। मधुबनी में जना कि बुझल 2 लोकसभा सीट छै, 1 झंझारपुर, 1 मधुबनी। तो बात करब हम पहले मधुबनी के, ओहिके बाद फिर झंझारपुर के बात हम सेहो करब। फिलहाल मधुबनी के बात करू तो मधुबनी में जे छै से 20 मई का चुनाव है। अपन मधुबनी में 20 मई का चुनाव है। 26 अप्रैल के दिन जे छै से ओकर नोटिफिकेशन जारी होयत नॉमिनेशन के। आ ओहिके बाद नॉमिनेशन के लास्ट डेट 3 मई का है। स्कूटनी के लास्ट डेट स्कूटनी 4 मई का। और जत्ते भी कैंडिडेट अपन नॉमिनेशन करा लेने छथि, अगर जे हुनकर इच्छा स्वेच्छा नहीं हुए कि हम चुनाव लड़ी, तो ओ अपन नाम वापस सेहो लऽ सकै छथि। तकर डेट 6 मई का लास्ट है। आ 20 मई का चुनाव है। 20 मई मतलब 5वां चरण में अपन मधुबनी के लोकसभा सीट पर चुनाव है। झंझारपुर सीट पर 63 चरण में चुनाव है। 7 मई के दिन चुनाव है। ओकर नॉमिनेशन के डेट 12 अप्रैल से नोटिफिकेशन जारी भऽ जायत। और नॉमिनेशन के लास्ट डेट 20 अप्रैल का है। स्कूटनी 20 अप्रैले का लास्ट है। और ओहि के जे कैंडिडेट अपन स्वेच्छा के हिसाब से इलेक्शन नहीं लड़ा चाहे छी, ओ अपन नाम रिटर्न सेहो कर सके छी, नाम कैंडिडेट अपन नाम निकाल सेहो सके छी। ओकर लास्ट डेट 22 अप्रैल का है। फिर चुनाव 7 मई का ओकर चुनाव है। चौथा चरण के चुनाव दरभंगा में, दरभंगा लोकसभा सीट पर चौथा चरण के चुनाव है। ओ 13 मई का ओ चुनाव है, जकर नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन के नोटिफिकेशन 18 अप्रैल का जारी भऽ जायत। आ 25 अप्रैल का ओकर नॉमिनेशन, 25 अप्रैल का नॉमिनेशन के लास्ट डेट है। आ स्कूटनी के 26 अप्रैल का लास्ट डेट है। आ जते भी कैंडिडेट छी जे अपन नॉमिनेशन के बाद नहीं लड़ऽ चाहे छी, हुनकर नाम रिटर्न के आ वापसी के डेट 29 अप्रैल के और 13 मई का पुनः चुनाव है। बात करब पहले तो हम मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर अपन जे लोकसभा सीट है ताहिके बारे में बात केलहुँ। आ बिहार के हम बात करै छी तो प्रथम चरण से शुरू करै छी। प्रथम चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में चुनाव है 19 अप्रैल का। दोसर चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका 26 अप्रैल का चुनाव है। फेज चरण तेसर के बात करब तो 7 मई का चुनाव है। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। चारिम चरण के बात करब दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। 13 मई का अगर सबके चुनाव है, चारिम चरण के ही चुनाव है। अब बात पाँचम चरण के करब 20 मई का। पाँचम चरण पर एहि दुआरे हम बेर बेर ध्यान दै छी कि अपन मधुबनी लोकसभा के चुनाव वो 20 मई का है, मधुबनियों में चुनाव वही दिन है। तो अइमे सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर का चुनाव है 20 मई का पाँचम चरण में। छठम चरण के बात करब वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज,
सिवान 25 मई का जत चुनाव के घोषणा कैल गेल छठम चरण के लास्ट चरण सातम चरण के बात कर 1 जून का जत नालंदा पटना साहेब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट जहानाबाद में चुनाव बिहार में सातों चरण के प्रत्येक जिला और 40 लोकसभा सीट के चुनाव के घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के अनेकों जानकारी के लिए विशेष मिथिला दस्तक से बनल रहू और हम सब लोकसभा चुनाव के आए दिन अलग अलग जगह से जानकारी अहाँ के दैत रह। धन्यवाद।